तो गाइज वी आर फाइनली बैक इन दुबई 8 घंटे की फ्लाइट के बाद. यू लाइक द कार? आई लाइक द कलर. या व्हिच इज योर फेवरेट लैम्बोर्गिनी? फिलिसिया केम टू अस. हाय, नाइस टू मीट यू गाइस. गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम क्राकोव. अब है अगला दिन और अभी बजे हैं सुबह के 8 और हमें एयरपोर्ट जाना है 2 घंटे बाद क्योंकि हमारी फ़्लाइट 1 बजे की है. एंड एज़ यू नो इस वक्त इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं ट्रैवलिंग पे, तो मैं एक बार जा रहा हूँ अपने टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह के प्रिंटआउट निकलवाने. एंड बाय द वे लुक एट दिस ब्यूटीफुल पार्क. ये मेरे एयरबीएनबी से बिल्कुल 1 मिनट की वॉक पे है, बिल्कुल सेंटर में क्राकोव के. एंड आपने टाइटल एंड थंबनेल से तो देख ही लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं. सो यस, वी आर गोइंग टू दुबई अगैन. मैंने अपनी दुबई सीरीज़ की लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा दुबई, बट आप लोगों ने उस सीरीज़ को इतना सपोर्ट दिखाया. एंड मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी डाला था कि किन किन लोगों को और वीडियोस चाहिए दुबई की, तो उसमें 12,000 वोट आए और 95% लोगों ने यस बोला. सो आई एम गोइंग बैक टू दुबई जस्ट फॉर यू गाइज. एंड इस बार मैंने फ़्लाइट बुक कराई है डायरेक्टली क्राकोव से दुबई वाया फ्लाई दुबई. दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम फ्लाइंग फ्रॉम क्राकोव एयरपोर्ट. एंड इस बार के व्लॉग्स पिछली बार से भी ज़्यादा लेट होंगे. मैंने ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें प्लान करी हुई हैं. सो स्टे ट्यून फॉर दुबई सीरीज़ पार्ट 2. और अब मैं जाके पैकिंग वगैरह फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ क्राकोव एयरपोर्ट पे. हेलो हेलो, यू रेडी? ऑलमोस्ट. ओके, इस बार मैं जा रहा हूँ 1 महीने के लिए और वेरोनिका 15 दिन के लिए. तो सारी यहाँ सारी पैकिंग वगैरह चल रही है, 1 घंटे बाद निकलना है एयरपोर्ट के लिए. ये है सारा गियर का बैग, ऑलमोस्ट पैकिंग कंप्लीट हो गई है. Where is the key to my Mustang? I don't have it. Oh no. Where are you going? To my car. See? This is my Mustang. Life is a winding road. No telling where it goes. It's so empty. Yeah. I think we are the only ones. We are the only ones on the plane? Yes. I hope so. That's cool. We will have a lot of space. Did you take our tests? Yes. तो वही सेम चीज़ हुई जो मेरे साथ पिछली बार हुई थी जब मैं एम्स्टरडैम से दुबई जा रहा था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. क्योंकि मैं हमेशा दुबई में वीज़ा ऑन अराइवल लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय अमेरिकन वीज़ा. जिन भी इंडियन सिटीजन्स के पास या तो अमेरिकन वीज़ा है या फिर यूरोप का रेजिडेंस कार्ड है, वो 14 दिन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं दुबई में. और मेरे पास दोनों हैं, तो फॉर मी इट्स द बेस्ट ऑप्शन टू टेक वीज़ा ऑन अराइवल. बट उसके लिए एयरलाइंस को पहले दुबई ईमेल करना पड़ता है और जब वहाँ से अप्रूवल आता है ये तभी चेक इन करते हैं. तो मैं अप्रूवल का ही वेट कर रहा हूँ. यूजुअली 1.5 घंटा लगता है. एम्स्टरडैम में मैंने एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए मैं इस बार एयरपोर्ट जल्दी आ गया था ताकि मेरे पास इनफ टाइम हो इन चीज़ों के लिए. तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अप्रूवल आने में. एंड ये जो क्राकोव एयरपोर्ट है ये काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है. इट्स नॉट लाइक वॉर्सो एयरपोर्ट, क्योंकि वॉर्सो सबसे मेजर एयरपोर्ट है यहाँ का. एंड आई थिंक यहाँ से सिर्फ कुछ ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती हैं. यूजुअली सारी यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं या फिर विद इन यूरोपियन यूनियन, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डोमेस्टिक ही मानी जाती है यहाँ पे. दिस इज इफ समरों, सी इफ यू लाइक इट. It's okay. Which is your favorite perfume? Tell the audience. Maybe they also want to buy it for their girlfriends or wives. I like Yves Saint Laurent Opium. Okay. So what do you have Veronica's favorite perfume? I also like Chanel Eau Tendre. She is a pro in perfumes. I am a pro. तो फाइनली कोई दिक्कत नहीं हुई, अप्रूवल वगैरह सब आ गया था. चेक इन मैंने ऑलरेडी कर लिया है और अब बोर्डिंग स्टार्ट है 5 मिनट में. तो मैं मिलता हूँ आपसे दुबई. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling तो गाइज वी आर फाइनली बैक इन दुबई 8 घंटे की फ़्लाइट के बाद. और हम सबसे पहले एयरपोर्ट से एक बार आए हैं यहाँ के बुलेवार्ड एरिया. बुर्ज खलीफा है बिल्कुल पीछे. अभी हमें सिर्फ 2 घंटे हुए हैं दुबई आए हुए. एयरपोर्ट से मैंने गाड़ी रेंट करी थी और सबसे पहले हम कुछ खाने आए हैं. मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा था मेरी फ़र्स्ट दुबई सीरीज़ में कि दुबई में गाड़ी कैसे रेंट होती है,
तो दुबई में भी एग्जैक्टली सेम वही प्रोसीजर है जो यूरोप में है. सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू रेंट अ कार इन दुबई तो आप मेरी यूरोप वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने गाड़ी रेंट करी थी. मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. बहुत ही बढ़िया वेदर हुआ हुआ है इस वक्त दुबई में. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि गर्मियाँ हो गई होंगी, बट रात को बिल्कुल परफेक्ट है. दिन में पता नहीं कैसा होगा, कल पता चलेगा वो चीज़ हमें. डिड यू थिंक दैट यू विल कम टू दुबई दिस सून? नो, बट यू ऑलवेज सरप्राइज मी. आई डू. ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्रिप थी. मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई आप सारे लोगों की कि यू वांट मोर वीडियोस फ्रॉम दुबई. तो आज का व्लॉग तो कैजुअल है, बट मैं नेक्स्ट व्लॉग से फिर से बिल्कुल सिनेमैटिक सीरीज बनाऊंगा एक दुबई की. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. और अब फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला है. आप दो जगह से फाउंटेन शो देख सकते हो, एक तो दुबई मॉल से और दूसरा ये बुलेवार्ड एरिया से जो ऑपोजिट है दुबई मॉल के. मेरे पीछे बिल्कुल दुबई मॉल है. तो आपको अभी मैं फाउंटेन शो दिखाता हूँ. एंड हम होटल में चेक इन करने के बाद बाहर गाड़ी का वेट कर रहे थे. एंड एक्चुअली फिलिसिया केम टू अस. हाय, नाइस टू मीट यू गाइस. एक्चुअली वी जस्ट मेट हर एंड शी वाज सपोज लाइक योर फ्रेंड्स आर सपोज टू कम हियर टुमारो. या ड्यूरिंग द नाइट. ड्यूरिंग द नाइट. सो शी वाज अलोन एंड हर फ्रेंड्स आर कमिंग टुमारो. सो शी आस्क्ड अस इफ शी कुड जॉइन अस. सो नाउ वी आर ऑल हैंगिंग आउट in the downtown Dubai area. This place is really beautiful, right? It's amazing. Yeah. It's stunning. You like the car? I like the color. Which is your favorite Lamborghini? White one. Are we getting one? Are you getting one for me? Maybe, let's see, let's find out. Maybe I will get one for you, who knows. I can see you know a lot about Lamborghinis. I know quite a lot actually. Which one is this one? Do you know the name of this one? This one is green. It's SUV, right? It's SUV, but what is the name? This is Lamborghini Urus? Urus, yeah. This is the only Lamborghini I know. इस बार वेदर पिछली बार जितना अच्छा नहीं है. पिछली बार मैंने बताया था आपको मैक्सिमम था 25 और मिनिमम 15. आई थिंक इस वक्त अराउंड 32-33 डिग्री है और धूप काफ़ी तेज़ है. बट फिर भी ये लास्ट महीना है दुबई घूमने का. मई से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, उसके बाद तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं आने का. और हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी की. मैंने गाड़ी रेंट करी है इस बार भी और उसके बाद जाना है दुबई मॉल मिरर मेज में. वेरोनिका वांट्स टू गो टू द मिरर मेज, राइट? There are so many new attractions in Dubai Mall which I didn't see last time. Yes. When we came here in Feb. दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो हमने अभी नोटिस करी कल रात को दुबई मॉल में, जैसे मिरर मेज, VR पार्क. तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और देखते हैं कि ये अट्रैक्शंस कैसी हैं दुबई की. Is it hot for you? It is hot, but I like this weather. It's not like too hot. और इस बार हम स्टे कर रहे हैं शेरेटन ग्रैंड होटल में. This is the Sheraton Grand. ये बिल्कुल शेख जायद रोड पे है और इससे दुबई मॉल सिर्फ 7-8 मिनट की ड्राइव पे है. इसीलिए मैंने इस बार होटल बिल्कुल शेख जायद रोड पे बुक कराया. पिछली बार मैंने स्टे किया था द कैनवस होटल बाय सोफिटेल में. वो बर दुबई में था तो उससे थोड़ा दूर पड़ता था डाउनटाउन दुबई. बट अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो यू शुड ऑलवेज बुक योर होटल ऑन द शेख जायद रोड. सबसे मेन रोड यही है दुबई की, मैंने काफ़ी अपनी वीडियोज़ में मेंशन किया है. इस रोड से सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप बहुत इजीली कम्यूट कर सकते हो, चाहे फिर वो कार हो या फिर मेट्रो के थ्रू. और गाड़ी का मुझे रेंट पड़ा अराउंड 160 dirhams पर डे इंक्लूडिंग फुल इंश्योरेंस. दुबई में फुल इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी भी बिना इंश्योरेंस की गाड़ी रेंट मत कीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपने गाड़ी कहीं हिट कर दी तो फाइंस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज हैं. सो आई विल नेवर रिकमेंड रेंटिंग अ कार विदाउट इंश्योरेंस. इवन दो इंश्योरेंस के साथ डबल प्राइस पड़ता है गाड़ी का, बट कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों के लिए. एंड मेरे लेफ्ट में आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, बट दिस इज़ द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर. ये ओपन होने वाला है आई थिंक अराउंड 2-3 मंथ्स में. इस साल बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्सपो पे इनको ओपन करनी थी, बट ड्यू टू ऑब्वियस सर्कमस्टांसेस सारी चीज़ें डिले हो गई. इस बार स्पेशली आप लोगों के लिए मैं एक पूरी वीडियो शूट कर रहा हूँ हाउ टू ट्रैवल दुबई ऑन अ बजट, क्योंकि मोस्टली लोग बजट पे ट्रैवल करते हैं, इंक्लूडिंग मी. किसी के पास एंडलेस अमाउंट ऑफ मनी नहीं है. आप बजट पे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो एंड स्टिल इन्जॉय दुबई टू द फुलेस्ट.
सो स्टे ट्यून्ड फॉर द बजट वीडियो. जितने भी लोगों को बजट पे ट्रैवल करना है फ्यूचर में दुबई, ये है दुबई का वीआर पार्क. लुक एट दिस, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. एंड हम जा रहे हैं यहाँ पर मिरर मेज में, आपको अंदर से दिखाता हूँ कि मिरर मेज दुबई का कैसा है.